देवास जिला योजना समिति की बैठक के दौरान भाजपा सांसद महेंद्र सोलंकी और कांग्रेस प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी के बीच तीखी बहसबाजी शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज राजानी के बैठने को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मंत्री जीतू पटवारी ने भाजपा सांसद को बैठक से बाहर निकलने के लिए बोल दिया। इस बात को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। बैठक में जिले के प्रभारी मंत्री जीतू पटवारी, कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत सीईओ व प्रशासन के अन्य अधिकारियों के साथ ही देवास से भाजपा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी उपस्थित थे। बैठक में किसी बात को लेकर पटवारी और सोलंकी के मध्य बहस हो गई। बहस के दौरान प्रभारी मंत्री ने सांसद को बैठक से बाहर करने की धमकी दे दी। मंत्री पटवारी ने सांसद से कहा कि नियमों के तहत मैं आपको उठाकर इस बैठक से बाहर कर सकता हूं। हालांकि अधिकारियों की समझाइश के बाद दोनों शांत हुए और बैठक प्रारंभ हुई, लेकिन बैठक समाप्त होने के बाद एक बार फिर पटवारी और सोलंकी में बहस हो गई। बहस की जानकारी लगते ही कुछ कांग्रेसी कलेक्टर कार्यालय पहुंच गए और भाजपा व नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामा होता देख मंत्री जीतू पटवारी और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी वहां से निकल गए। इसके पहले भी जीओस की बैठक में पटवारी और सोलंकी के बीच विवाद हो चुका है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.